कॉन्ग्रेचुलेशन 3 Stories के लिए, एंड ट्रेलर बहुत ही ऑसम है, हमने देखा बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है ट्रेलर को लेकर. आप बताइए आप लोग की, आप लोग कितने एक्साइटेड है इस फिल्म को लेकर जो कि 9th of March को आ रहे हैं. कितने एक्साइटेड हैं आप 9th of March को एक फिल्म जो है 3 Stories वो आ रही है. हम सब एक्साइटेड हैं. आप आए थे ट्रेलर लॉन्च पे जब आपने वैलेंटाइन डे का क्वेश्चन पूछा उस दिन. तो फिल्म में इसने मेरे दोनों ट्रेलर लॉन्च पे यही पूछा था. वो मेरे भी आपके वो फुकरे रिटर्न पर ये वैलेंटाइन डे का नहीं पूछा था. वीरे वीरे थ्री और वीरे दोनों पे पूछा. तुम खुद भूल जाते हो. तुमने मुझसे फिल्म फेयर और HT पे भी यही पूछा था और फिर तुमने मुझसे 3 Stories से पूछा. मतलब ये वैलेंटाइन डे के दिन तन्हा होंगे. आ जाइएगा आप दास देव के ट्रेलर लॉन्च पे. ठीक है, ठीक है जी, ठीक है. इस फिल्म को लेकर हम सब एक्साइटेड हैं बिकॉज ये ऑनसॉम फिल्म है. बट इसमें काफ़ी थ्रिल है. वो आप ट्रेलर देख के ही समझ गए होंगे कि दस मोर देन इट मीट्स द आई. और पुलकित का रोल मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा. इस पूरी फिल्म में एक अमीर कैरेक्टर जो है वो पुलकित है जो बाहर से आता है. हाँ मैं वहाँ पे रहता नहीं हूँ बट स्टिल आई बिकम अ पार्ट ऑफ द एंटायर स्टोरी समहाउ. एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ दोज फिल्म्स जिसमें एक भी कैरेक्टर ऐसा नहीं है जिससे आप जिसकी जर्नी से आप कनेक्ट नहीं करेंगे. बिकॉज ईच कैरेक्टर इज कनेक्टेड टू दी अदर स्टोरी, दी अदर स्टोरी इज कनेक्टेड टू दी अदर स्टोरी. सो बेसिकली वो कम्युनिटी लिविंग, वो जो चौल टाइप का जो एरिया है उसमें आपस में कितने रिलेशन्स भिड़ रहे हैं और हर चेहरे के पीछे क्या क्या छुपा है, हाउ इट गेट्स अनरैवल्ड बाय द एंड ऑफ द फिल्म. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक ऑन आई वुड से ह्यूमन इमोशंस, ह्यूमन साइकी एंड रिलेशनशिप्स. नो 100% एंड इट्स ब्यूटिफुली रिटन, ब्यूटिफुली रिटन. एंड वॉट रोल शी इज प्लेइंग इन इट इज something. I think her character is the one that makes you smile by the end of the film when you can come out from the theater. Definitely. काफी different story है ये रिचा जी, पुलकित जी. तो कैसा रहा experience एक चौल में जाकर? आप लोगों ने, हमने देखा खुद जो shoot करने का experience, ये सारी चीजें हमने shoot तो set पे किया था. Trailer launch हमने जरूर community living वाली जगह पे किया था. But वैसे ही feeling है जैसे दिल्ली में मोहल्ले type के जो घर होते हैं जिनकी छतें टच होती रहती हैं. हाँ. उसी टाइप की गली में आओ तो पार्किंग की जगह नहीं है. हाँ. क्योंकि आंटी ने चारपाई लगा रखी है. हाँ. आप क्रिकेट खेल रहे हो तो बॉल पड़ोसी की वहाँ पे चली गई तो देंगे नहीं वापस. हाँ. दे दो प्लीज अंकल, दे दो प्लीज, दे दो नहीं तो रोज करता है ये. हाँ. रोज. सो यही होता है यार कम्युनिटी लिविंग व्हेन पीपल आर सो क्लोज टू ईच अदर एंड दे ऑल लिव टुगेदर इन अ सर्टेन एरिया. तो होता है सब में भिड़न भी होती है और सब में प्यार भी होता है एंड दे सपोर्ट ऑल्सो ईच अदर. And they also maintain a certain distance from each other. You know, to maintain your individuality as a family and still be a part of that community, it's a very difficult thing to portray through a film. I think so. And that's been done in this one. हाँ बिल्कुल. रिचा जी आप बताइए. क्या? Okay. फीडबैक क्या मिल रहा है इंडस्ट्री से? क्योंकि हमने देखा कि ट्रेलर तो काफ़ी अच्छा, सलमान जी ने का कुछ रिस्पॉन्स आया या उन्होंने देखा या कुछ, आप बताइए. नहीं नहीं वो फिलहाल नोट गिन रहे हैं. हाँ, टाइगर. टाइगर. मैंने कहा था ना दिसंबर के महीने में जितनी टाइगर वाली फिल्में आएंगी बहुत चलेंगी. फीडबैक तो ये कि ट्रेलर भी लोगों को अच्छा लग रहा है क्योंकि उसमें एक मिस्ट्री का एलिमेंट है. एट द सेम टाइम ऐसा लग रहा है कि कुछ कहानियां हैं और जिस तरह से इन्होंने डिजिटल प्रमोशन के लिए जो अलग अलग जो हर कैरेक्टर के अलग अलग ट्रेलर्स बनाए दैट्स आल्सो वेरी नाइस. और न्यूकमर भी हैं इस फिल्म में दो. yes. तो जब इन्हें सब न्यूकमर भी आते हैं तो कैसे सब लेकर आप लोग चलते हैं और क्या हेल्प करते हैं आपकी तरफ से, क्या आप अपना इनपुट आउटपुट देते हैं? इनको इतना अच्छा काम आता है दोनों को कि कुछ हेल्प नहीं चाहिए इनको. यू नो आई थिंक ऑन द सेट द बिगेस्ट हेल्प इज द डायरेक्टर.
उससे ज़्यादा हेल्प आई डोंट थिंक सो कोई भी होती है इफ़ यू जस्ट सरेंडर एंड दैट्स व्हाट बोथ ऑफ देम हैव आल्सो डन एंड दे आर ब्यूटीफुल इन द फिल्म वेरी एंडियरिंग बहुत अच्छे हैं दोनों फिल्म में सुपर दे मतलब लगेगा ही नहीं इनकी पहली फिल्म में हाँ वो तो मुझे कभी लगा ही नहीं अपनी देख के मुझे लगता है ना पहली फिल्म थी ओके हमने वैलेंटाइन डे की बात कर ली और आज जो है वो रोज डे है टेडी बेयर डे हग डे मतलब इनको लूज मोशंस थे नहीं वो वाला नहीं अच्छा आप ऐसे फील कौन सा वाला अच्छा रोमांटिक वाली फीलिंग की मैं बात कर रहा हूँ तो आप बताइए कि वो ऐसा कौन सा अच्छे हग से ज्यादा रोमांटिक क्या एक्टर है जिसे आप हग करना चाहेंगे इच्छा होती है करेक्ट सी ये ये है मेरी इच्छा ये है इनकी इच्छा ये है अच्छा ऐसा वी आर वेरी हगेबल मैं इनको गिफ्ट में भी हगीज देती हूँ यस क्या बात है आप बताइए मैं पहन के आऊँ एक सेकंड थोड़ा आप बताइए अभी तो बताया मतलब इनके अलावा ये तो ब्यूटीफुल है ही इनके अलावा और ऐसे किसी को हग करने की इच्छा होती है इनके अलावा आई थिंक आई वुड लव टू हग या एक एक मैं बताऊंगा मुझे जो मुझे 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 नहीं व्हेन व्हेन आई वर्कड विद जोया ना अभी फॉर दिस मेड इन हेवन या जोया अख्तर सो व्हेन आई वर्कड विद हर सो आई डिड लाइक वन एपिसोड फॉर एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस टू वर्क विद हर तो मेरा सही में सपना पूरा हो गया यार आई गॉट टू हग हर एंड आई हैव दैट पिक्चर ऑल्सो विद मी सो दैट इज वन हग आई विल ऑलवेज रिमेंबर Wow, like I've always admired her work yeah. and when you admire somebody's work and you get to you know you get that warmth it's not about the hug that warmth and love and respect from that person na? it's unmatchable wow great ab bataiye kis kya kisko hug karna chahungi yaar main to bilkul hippie hu to main to free hug society mein believe karti hu bas agar aap leechdon ko dur rakhe तो जो भी आता है मैं उसको फ्री हग करने के लिए तैयार हूँ बिकॉज आई थिंक हग्स कैन सॉल्व अ लॉट ऑफ द वर्ल्ड सॉरी वरुण शर्मा नो हग फॉर यू तो ही गॉट मोर देन अ हग या क्योंकि आप लोगों की लास्ट फिल्म काफी अच्छी हिट और अप्रिसिएट की गई थी तो इन सारी चीजों को लेकर कुछ प्रेशर होता है यार लास्ट फिल्म में ऑडियंस ने काफी अप्रिशिएट किया था इसलिए इस फिल्म पर रिस्पांसिबिलिटी प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है एज एन एक्टर होता है कभी यू नो व्हाट जो आपको फ्राइडे को सक्सेस मिलता है या फेलियर मिलता है या व्हाटएवर आप उसका बैगेज लेके दूसरी फिल्म पे नहीं रह सकते आपका सक्सेस आपकी ईगो लगेगा अगर आप वो लेके जाएंगे आपका फेलियर आपका दिल तोड़ देगा वो हाँ तो वो आप कॉन्फिडेंट नहीं लगेंगे बिल्कुल भी सो दैट विल ऑल्सो नॉट वर्क फॉर यू शुड ऑलवेज गो फ्रेश टू अ न्यू सेट There's a new family, new set, new bunch of people you meet. दो हम दोनों फंसे हुए एक दूसरे के साथ तीसरी फिल्म हो गई है पक चुके हैं हम but we still try to meet with like new energies as characters. So you know it works out. आप कभी भी एक फ्राइडे का बर्डन लेके नहीं जा सकते चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा यू हैव टू लीव इट सैटरडे से नई लाइफ जी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग तो है कैसे पक चुके आप लोग आप बताइए ऋचा जी कुछ प्रेशर होता है आप या आप कभी नहीं मैं तो आप इन्होंने आपको एक बहुत अच्छा बेहतरीन मैच्योर आंसर दिया मैं इनसे सहमत हूँ और मैं आपको इसका दूसरा साइड बताती हूँ लॉजिकली फुकरे हुई थी 2450 स्क्रीन्स में रिलीज उसका बिजनेस उसके हिसाब से था हमारी जो फिल्म है ये एक छोटी और प्यारी और मॉडेस्ट फिल्म है थ्री स्टोरीज और ये 300 स्क्रीन्स में रिलीज़ हो रही है तो हम ये जब इवन प्रेस जब ये नंबर्स कंपेयर करते हैं सो दिस इज लाइक ऑलमोस्ट 1/7 या 1/7 1/8 यार एग्जैक्टली 1/8 या व्हाटएवर योर मैथ्स इज 1/8 ऑफ द नंबर ऑफ स्क्रीन्स दैट फुकरे हैड थ्री स्टोरीज विल हैव तो हम कैसे कंपेयर करें मतलब दोनों ही एवरी फिल्म इज लाइक योर बेबी आपके बच्चे की तरह होती है तो आप कभी ये नहीं सोचते कि ये वाला बच्चा ज़्यादा सुंदर है या ये वाले बच्चे में ज़्यादा दम है और ये ज़रूरी है कि जब फिल्म इंडस्ट्री वाले जो क्रिटिक्स जो बिजनेस ऑफ बॉलीवुड और क्या सॉरी इस दर चैनल जो बिजनेस वाले लोग होते हैं जो नंबर्स ट्रेड पंडित्स दे शुड ऑल्सो रिमेंबर कि एक फिल्म जो 200-300 जैसे मसान 200-300 स्क्रीन्स में रिलीज हुई थी किसी को पीपल नाउ डू दैट As in a lot of trade analysts, they now put across कि इतने में बनी थी इतना बनाया है सो इट्स ऑलरेडी रिकवर्ड द कॉस्ट बट यू सी मे बी 3 or 4 out of 10 दैट्स दैट हेल्प्स अ लॉट या इफ पीपल नो कि अच्छा
क्योंकि बिजनेस तो वही होता है ना, आपने इतना पैसा लगाया और इतना उसमें से निकला, दैट इज द ओनली बिजनेस एस्पेक्ट ऑफ द फिल्म. फिल्म कितनी अच्छी है दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट दैट बिजनेस एस्पेक्ट कम्स फ्रॉम कितना लगाया, वो रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट. फुकरे में अगर आपने एक्स इंटू थ्री अमाउंट लगाया है और थ्री स्टोरीज में एक्स लगाया है, तो दोनों का नापतोल सेम नहीं हो सकता. बिल्कुल बिल्कुल जी. तो हम ऐसा माने कि ये जो साल है काफी अच्छा है आप लोगों के लिए. ये तो हम हर साल सोचते हैं ऐसा. नहीं नहीं देखिए, अब रिटर्न आई, लोगों ने अप्रिशिएट किया, हिट है और अब ये अनाउंसमेंट हुआ है. आपकी तो और भी एक दासदेव आ रही है, पता नहीं क्या सीधा होने वाला है. देव दास से दासदेव बना लिया गया है जैसा मुझे बताया गया. प्लीज आप गुस्सा मत होइए. नहीं नहीं क्यों गुस्सा हूँ. तो ये साल काफी अच्छा है आप लोगों के लिए, हम ऐसा माने. क्योंकि देखिए हम तो आउटसाइडर्स है, हम हर साल की शुरुआत ऐसे ही करते हैं कि हमने अपने जो मेहनत से एक एक कदम रख रख के करियर बनाया है और हमारा हर साल अच्छा हो, हम ये तो एक दूसरे के लिए भी यही उम्मीद करते हैं. डिट्टो. ये सच है, बिकॉज अगर आप सोचेंगे ये साल मेरा बुरा जाने वाला है तो कैसे आप मेहनत करेंगे, आप में जोश ही नहीं आएगा. नहीं बट एक्साइटमेंट तो है, यू नो एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एक वो तो होता है कि यार साल के पहले या दूसरे महीने में आपकी एक या दो फिल्म्स निकल रही हैं एंड यू नो पीपल आर गिविंग गुड रिस्पांस टू योर ट्रेलर्स, सो दैट हेल्प्स अ लॉट. दैट गिव्स यू लिटिल बिट ऑफ कॉन्फिडेंस, मोर कॉन्फिडेंस टू यू नो गो एंड शोकेस योरसेल्फ विद अ लिटिल मोर कॉन्फिडेंस. बिल्कुल बिल्कुल. फिल्म की अगर मैं बात करूँ तो डायलॉग डिलीवरी काफी अच्छी लग रही है मुझे ऐसे. तो कोई ऐसा एक डायलॉग है जो पर्टिकुलर आपको तो काफी फेवरेट? बोलिए. मेरा तो कौन सा डायलॉग है जिससे स्टार्ट होता है ट्रेलर? ओ हाँ वो दे डिड नॉट वाज माय वॉइस बट इट इज योर वॉइस. हर चेहरे पे हर चेहरे के पीछे एक कहानी होती है. हर हर चेहरे पर इमोशंस होते हैं और उनमें बसी अलग अलग कहानियाँ. सुनना चाहेंगे? सुनना चाहेंगे. मार्च को मार्च को तो टिकट खरीद कर अपने नजदीकी सिनेमा घर जरूर आए. इनकी बात जरूर मानिए क्योंकि ये बहुत ही ब्यूटीफुल है. क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल है. तुम सिर्फ सुंदर लड़कियों की बात मानते हो. हैंडसम लोग. दिल से बोला उसने. दिल से, दिल की खूबसूरत है. सपोर्ट करने के लिए थैंक यू. 9th ऑफ मार्च. 9th ऑफ मार्च थ्री स्टोरीज एट अ थिएटर नियर यू. थैंक यू सो मच एंड गुड लक. थैंक यू.